हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू मास्को अलबाबा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप के बारे में। जी हाँ, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया थे कि किस तरह व्हाट्सएप को सिक्योर किया जाता है, तो आज ये वीडियो मैं उसी टॉपिक पे बनाने जा रहा हूँ। व्हाट्सएप की सिक्योरिटी या फेसबुक की सिक्योरिटी, ज़्यादातर जितनी भी हैं उनमें सिक्योरिटी का सिस्टम दिया होता है टू स्टेप वेरिफिकेशन का। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह व्हाट्सएप की और सिक्योरिटी रखी जाती है, किस तरह उसको सिक्योर किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सएप को किस तरह सिक्योर किया जाता है। सबसे पहले आप व्हाट्सएप में जाओगे, आप उसकी सिक्योरिटी में आप जाओगे। सिक्योरिटी में जाने के बाद आपको अकाउंट में जाना पड़ेगा। अकाउंट के अंदर आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन, ये दिख रहा है, टू स्टेप वेरिफिकेशन पे क्लिक करके आपको इसको इनेबल करना होगा। इनेबल भी आप कोई भी कोड लगा लो, जैसे मैंने लगा लिया 333222, और उसके बाद ये कंफर्म कर रहा है 333222। और आपको यहाँ पे ईमेल लगानी है। ईमेल इसलिए पूछ रहा है कि एक इत्तफाक हो जाए, अगर आप, यानी कि आपको पिन आप भूल जाएं कि पिन कौन सा था, तो जब आप फॉरगेट पे क्लिक करेंगे तो वो आपको पिन दोबारा लगाने के लिए उसी ईमेल पे आपको सेंड करेगा एक अपना लिंक। तो मैं इसको स्किप कर लेता हूँ। तो ये टू स्टेप वेरिफिकेशन जो है ये इनेबल हो गया। अब इसके बाद अगर आप कभी भी व्हाट्सएप ओपन करोगे, और इसके बाद अगर आप कभी भी व्हाट्सएप किसी और जगह पे या इसी जगह पे अगर आप ओपन करोगे, तो आपसे वही पिन मांगेगा कि वो कौन सी पिन थी। फिर आप लगाओगे तो वो आप व्हाट्सएप के अंदर इंटर हो पाओगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह टू स्टेप वेरिफिकेशन की जाती है, व्हाट्सएप को किस तरह सिक्योर किया जाता है। या अगर आपका मोबाइल भी गुम हो जाता है तो फिर भी आपका व्हाट्सएप कोई नहीं खोल सकता। अगर आपकी सिम भी गुम हो जाती है तो फिर भी आपका, यानी कि नहीं खोल सकता कोई भी, व्हाट्सएप आपका ओपन नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।